नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ पंडित प्रेम सागर पांडे। हम बात करेंगे आज के राशिफल के, यानी कि 11 जुलाई 2019 के राशिफल के बारे में। मैं बताऊंगा आपको कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपके सितारे क्या करते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे चलेगा आपका व्यापार, कैसे मिलेगी आपकी करियर की उड़ान और किसे मिलेगा धन अपार। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आज आपका राशिफल के बारे में। और शुरुआत में मेष राशि के बारे में जानते हैं। आप अपने जीवन साथी के मामले में गैर जरूरी टांग अड़ाने से भी बचें, अपने काम से काम रखना ही बेहतर होगा, कम से कम दखल दें, नहीं तो इससे निर्भरता बढ़ सकती है। हाँ, उधार मांगने वालों लोगों से नज़रअंदाज जरूर करें। घरेलू कामकाज आपको ज़्यादातर वक्त व्यस्त रखेंगे। प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। कामकाज के मामले को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। हाँ, जल्दीबाजी में फैसला न करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना न पड़े। आज का दिन उन्माद में घिरे जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम अनुभव भी कर सकते हैं। आपका शुभ रंग आज लाल होगा, भाग्यांश आपकी एक है। चले आज अब भिख राशि की तरफ। खुद को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए वसायुक्त और तली भुंजी चीजों से दूर रहें। आज आप काफी पैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने हाथों से फिसलने न दें, अर्थात जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा वक्त बिताने की भी मांग करेंगे, लेकिन यह सभी दरवाजे बंद कर हो सकते हैं करके, और आप अपनी रजामंदी से भी थोड़ा सा आनंद अपने मन के हिसाब से थोड़ा करें। आज अपने प्रियो को माफ़ करना भी न भूलें। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन के साथ उत्साह भी दिखाएं। आज का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में जाएगी और आप हर काम में अव्वल रहेंगे। दिन में जीवन साथी के साथ थोड़ा वाद विवाद या बहस आदि की संभावना होगी, किंतु शाम में सभी अच्छे हो जाएंगे। आपका शुभ रंग लाल है और भाग्यांश एक है। आते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो थोड़ा मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित हो सकती है। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपका थोड़ा अड़ियल स्वभाव जो है आपके माता पिता को की चैन को भी थोड़ा सा छीन सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, अर्थात अपने व्यवहार अपनी कार्यक्षमता को पूर्ण रूप से ध्यान दे। उनको आपकी सलाह पर ध्यान देने की जरूरत है। सकारात्मक बातों पर विचार करने में कोई बुराई नहीं है। आपके लिए अपने प्रियो से दूर रहना बहुत ही मुश्किल होगा अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ते हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, तो यह जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तरह के तथ्यों की जांच कर लें। पूजा पाठ आदि, हवन आदि, घर में अनुष्ठान वगैरह आदि का आयोजन घर में हो सकता है। अगर आप जीवन साथी के अलावा किसी और के ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं, तो जीवन साथी की ओर से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना भी संभव है। आपका शुभ रंग नारंगी होगा, भाग्यांश आपकी 8 है। चले कर्क राशि की तरफ।
कर्क राशि वालों आज अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, तनाव आदि पर थोड़ा सा संयम रखें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक भी है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है, यही जिंदगी की समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को अलौकिक करता है। आप घूमने फिरने और पैसा खर्चे करने के मूड में तो होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। हाँ, आपका अरियल स्वभाव, आपका अरियल रवैया घर के लोगों के दिलों पर भी चोट पहुंचा सकती है, यहां तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। संयम रखे, आज रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी भी सराहना मिल सकती है और इसके चलते अचानक लाभ भी मिल सकता है। आपको याद रखने की जरूरत है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई ही खुशनुमा है। आइए अब चलते हैं सिंह राशि की तरफ। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अटके हुए मामले और घने हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा जटिल हो सकते हैं, खर्चे आपके आदि हो सकते हैं, आपके दिमाग पर वो छा जाएंगे। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा तो रहेगी। आज प्यार की मदहोशी की हकीकत में भी आपको ऐसा अनुभव होते हुए मालूम पड़ सकता है, इससे महसूस करें। हाँ, सहकर्मियों और वरिष्ठों को पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में के काम में आज तेज रफ्तार पकड़ सकता है। टैक्स बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह बढ़िया दिन है, साथ में अच्छी शाम गुजारने की भी योजनाएं आपकी बन सकती है। आपका शुभ रंग पिंक है, भाग्यांश एक है। चले अब आते हैं कन्या राशि की तरफ। खुद को कन्या राशि वाले आज खुद को ज्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार आपका लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसी नकारात्मक जो सोच है, मनोभाव है, उसमें कमी आएगी। मनोरंजन और सुंदर में इजाफे पर जरूरत से ज्यादा वक्त और खर्च न करें। परिवार के सदस्यों कई चीजों की मांग कर सकते हैं। आपसे प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास भी छा रहा है। इसकी जो अनुभव महसूस आप करेंगे, प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिक थकावट भरी आपका महसूस हो सकता है। आज सोच समझ करके कदम बढ़ाने की भी जरूरत है। जहां दिल की बजाय दिमाग से ज्यादा इस्तेमाल करें। वैवाहिक जीवन में आप दांपत्य जीवन में शनि को दिलवाने में अपना महत्व आप बनाएंगे और इस चीज का अनुभव आज आप खुश करेंगे। आपका शुभ रंग नारंगी है, भाग्यांश आठ है। आते हैं तुला राशि की तरफ। आप तुला राशि वाले अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करना आपके जीवन साथी को नाराज कर सकता है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ से छुटकारा भी मिलेगा। हाँ, कोई पौधा लगाएं। आपका दिमाग काम काज की उलझनों में फंसा रह सकता है, जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के बीच समय नहीं निकाल पाएंगे। आपसे कुछ लोगों का लंबा सफर करना पड़ सकता है, माने लोगों के साथ जो काफी दौर भाग का भी हो सकता है, लेकिन साथी बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। ज्यादा खर्च की वजह से जीवन साथी से भी थोड़ा खटपट हो सकती है। दांपत्य जीवन में
परिवार में परिवार के अन्य सदस्यों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। आपका शुभ रंग उजला है, आपकी भाग्य ज्ञान सेक है। वृश्चिक राशि के लिए आज भैया आप वृश्चिक राशि वालों मौज मस्ती की यात्राएं तो आप और सामाजिक मेलजोल आपको खुश तो रख सकते हैं और सुकून देंगे। जेवर और एंटिक में निवेश से फायदेमंद साबित हो सकता है और समृद्धि को लेकर भी ये आएगा। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष को ही समझाएं ताकि वे उसके पीछे की वजह समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी आदि की शहनाई आदि बच सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए रोमांस का भी अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। आज लोग आपकी भी प्रशंसा करेंगे जिससे आप हमेशा को सुनना चाहते थे। आपके आसपास कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ से आकर्षण भी महसूस कर सकते हैं। आपका शुभ रंग लाल है, भाग्यांश 3 है। आते हैं धनु राशि की तरफ। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और धन में अनबन के चलते आपका तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकता है। एक मजेदार शाम के लिए आप दोस्तों और अपनों के घर पर बुलाएंगे और अपने दिल की बात को जाहिर करके आप खुद ही काफी हल्का हो सकते हैं, आनंद भी महसूस करेंगे। व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा भी हो सकता है। इसे लोगों से जुड़ने से भी बचे जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए तमाम मुश्किल दिनों के बाद आज आपको हमदम अपनों लोगों के साथ फिर प्यार करने का एहसास होगा, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। आज आप संभव हो तो गाय को थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। आपका शुभ रंग पीला है, आपकी भाग्यांश 9 है। चले मकर राशि की तरफ। आपको आपकी ओर समर्पित दिल और बहादुरी का आज आपका जो जज्बा है आपके जीवन साथी को खुश कर सकता है। आप खुद को नए रोमांस हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा भी पहुंचाएंगे। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में तनाव को दूर करने के लिए यह अच्छा दिन हो सकता है। रिश्तों की इस नाजुक डोर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित भी होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दिल में यकीन और प्यार होनी जरूरी है। हालात ठीक करने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले और सकारात्मक तौर पर पहल भी करें। अपने प्रियों की वेजा मांग के आगे भी न झुके, बिना गहराई से समझे बुझे किसी व्यवसायिक कानूनी दस्तावेज आदि पर भी हस्ताक्षर न करें। टैक्स और बीमा से जुड़े हुए विषयों की ओर गौर करने की भी जरूरत है। उबाऊ होती जो जीवन है उसमें थोड़ा सा रोमांस ढूंढने की भी आपकी जरूरत है। आज आपका शुभ रंग पीला होगा और भाग्यांश 9 है। चलिए कुंभ राशि की तरफ आइए। अब कुंभ राशि की तरफ देखते हैं तो झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। पुरानी बातों में न उलझे और जितना हो सके आराम से करने की कोशिश करें। दिन बहुत ही लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर भी नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्च भी न करें। परिवार में आप एक संधि करने वाले दूत को का दायित्व भी निभाएंगे। सबकी परेशानियां पर भी गौर करें जिससे समस्याओं पर
समय रहते काबू किया जा सकता है। रोमांचक दिन है क्योंकि आज आपका प्रिय जन है आपको तोहफे उपहार दे सकते हैं। कामकाज के मामले को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र पाएंगे जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा। आप दाम्पत्य जीवन में अधिक सुखमय बनाने के लिए आपको प्रयास है ना कि उम्मीद ज्यादा आप ला सकते हैं। आज आप जो है थोड़ा धैर्यपूर्वक कार्य को करें। आपका शुभ रंग क्रीम है, आपकी भाग्यांश साथ है। आते हैं मीन राशि की तरफ। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति निश्चित है। दूसरे को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा भी न करें। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास का माहौल बना सकता है। आज प्यार के मामले में सामाजिक बंधन को तोड़ने से बचें। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। हाँ, मौज मस्ती के लिए कुछ घूमना फिरना संतोषजनक हो सकता है। मुमकिन है कि आपका दाम्पत्य जीवन ने ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा फूट सकता है। आपका शुभ रंग पीला होगा और भाग्यांश 5 होगा। आज का ये 12 राशि के राशिफल हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।